Hello everyone, this is Priyanka here. I am here to share my experience of journey of CSI and JRF exam December 2023. मैंने DU से मास्टर्स की है और मेरी मास्टर्स हुई थी मई 2023 में कम्प्लीट. देन आई डिसाइडेड कि नेट JRF की प्रिपरेशन करनी है, तो मैंने कुछ सीनियर से एडवाइस मांगी, तो मोस्टली सभी ने यही एडवाइस किया कि गुरुकुलम इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स को ज्वाइन करना चाहिए, कुलवंत सर के बारे में बताया. तो फिर मैं और मेरी एक फ्रेंड हम GSRI आए कोचिंग देखने के लिए, और स्केड्यूल और जो उसका स्ट्रक्चर है स्ट्रेटजी है वो जानने के लिए. तो हम काफ़ी इंस्टीट्यूट में गए, 3-4 इंस्टीट्यूट जो GSRI में हैं सभी में गए. फिर हम गुरुकुलम में भी आए, गुरुकुलम में कुलवंत सर से मिले. बट जो उस दिन जो फर्स्ट हमारा एक्सपीरियंस था या फर्स्ट इम्प्रेशन था वो इतना बेस्ट था कि नहीं बता सकते. कुलवंत सर ने हमें इतने अच्छे से समझाया, पूरा स्ट्रेटजी क्या होगा, पूरा शेड्यूल क्या होगा, पूरा प्लान क्या होगा 6 मंथ्स का. और एक्जैक्टली वो प्लान फॉलो किया गया था, जो कोचिंग था जो हमारी प्रिपरेशन थी उसके टाइम पे वो प्लान फॉलो किया गया था, एग्जैक्ट प्लान. और कि उस प्लान के चलते और कुलवंत सर की एडवाइस और गाइडेंस के चलते और मोहित सर के जो डाउट्स लेते थे और गाइडेंस जो उन्होंने प्रोवाइड की थी उसी की हेल्प से मैंने दिसंबर 2023 का जो नेट JRF एग्ज़ाम हुआ था उसमें 98 रैंक अचीव की. तो मेरे जो बेस्ट पार्ट, जो बेस्ट थिंग जो मुझे लगी, एक तो जो गुरुकुलम का जो बैच होता है वो बहुत छोटा होता है, लाइक 40-50 स्टूडेंट्स, ताकि हर स्टूडेंट पे फोकस किया जाए और हर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस एनालाइज की जाए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा बैच होगा तो स्टूडेंट्स की एनालाइजेशन हो सकती है उसमें. और एक ये होता है कि आपको फर्स्ट डे से फर्स्ट टॉपिक जो कंप्लीट होता है उसी के आपको प्रैक्टिस सेट्स मिल जाते हैं, और आपको स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से आपको प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है. तो वो ये हेल्प करता है कि आप रिकॉल कर सकते हैं जो कंसेप्ट आपके हो रहे हैं प्रैक्टिस. जितना आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतने जल्दी कंसेप्ट आपको लर्न होते हैं, उतने ज़्यादा कंसेप्ट आप उनको रिलेट कर सकते हैं, और आपके कंसेप्ट रिकॉलिंग या थ्योरी रिकॉलिंग पावर भी बढ़ती है. और आपको एक एग्जाम पैटर्न पता चलता है कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है कितना नहीं देना. ऐसे ही सर का स्टार्टिंग से ये एक मेथड रहा है कि MSQ को आपको 6 मिनट्स देने हैं, MCQ को आपको 4 मिनट्स देने हैं. तो वो सर स्टार्टिंग से ही वो बताते थे, तो वही चीज़ फॉलो करके आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं पेपर के टाइम पे. और ये प्रैक्टिस जो सेट होते थे उनका नेक्स्ट डे फिर डिस्कशन होता था, और डिस्कशन में आप चाहे कितनी बार पूछ लो, कितनी बार भी आप उसके डाउट्स पूछ सकते हो. ये नहीं है कि एक बार पूछ लिया दो बार, आप कितनी भी बात पूछ लो कभी भी सर आपको मना नहीं करेंगे, ना मोहित सर मना करते हैं ना कुलवंत सर मना करते हैं. और आप किसी भी टाइम आप कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हो, वो आपको टाइम देंगे. और मुझे भी मेरा भी होता था कभी भी डाउट, मैं GSRI में रहती थी कभी भी डाउट होते थे मैं सर को या तो कॉल कर देती या मैसेज कर देती अगर क्लास नहीं होती. और जिस दिन ये होता कि वीक डेज हैं और छुट्टी नहीं है तो हम ऑफिस आके पूछो, तो सर वैसे भी टाइम बता देते कि आप इस टाइम पे आ जाना, डाउट्स जो भी हों आपके डाउट ले. और वही सारे जितने भी डाउट्स होते थे वो मैं भी बहुत बार बहुत सिली डाउट्स होते थे वो भी कुछ भी डाउट्स हो वो सब पूछ लेते थे. और उसी की हेल्प से ये है कि सारे कंसेप्ट सारे डाउट्स क्लियर हो गए थे. और जो प्रैक्टिस थी उसने बहुत हेल्प की थी. और मेन जो चीज़ होती है कॉन्फिडेंस, और एक पेपर के प्रेशर में एंग्जाइटी होती है या कॉन्फिडेंस नहीं आता या फिर आप डीमोटिवेट हो जाते हो, तो वो चीज़ यहाँ पे ज़रूर मिलती है. जैसे आप कभी भी सर से बात करो, किसी भी कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम है या ऐसे है कि आपको डीमोटिवेट हो रहे हो या पढ़ने का मन नहीं कर रहा या अच्छे से नहीं जा रहा, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, आप सर से बात करो. जब सर से बात करने के नेक्स्ट मिनट आपको इतना रिलैक्स फील होगा ना कि आप सोचोगे कि पहले क्यों नहीं किया, फिर मैं क्यों प्रेशर ले रहा था या क्यों ले रही थी इस चीज़ का. तो वो चीज़ मेरे साथ भी कई बार हुई थी, तो मैं या तो मोहित सर से या कुलवंत सर से बहुत बार ऐसे डिस्कस करते थे, तो वो चीज़ हो जाती थी, रिलैक्स हो जाते थे
इतना प्रेशर नहीं आता था आपको यहाँ पे। मतलब मुझे पर्सनली यहाँ पे फैमिली जैसा फील होता था कि आप किसी भी टाइम पे कोई चीज डिमोटिवेट कर रही है या किसी टॉपिक को लेके डर लग रहा है, या फिर क्लास में भी या वैसे भी, मतलब रैंडमली दिन में कभी जब जा रहे हैं क्लासेस के बाद या मॉर्निंग में आ रहे हैं, तब कभी भी कुछ भी डिस्कस कर लेते थे। तो वो चीज बहुत हेल्प करती है, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन का प्रेशर, और एक आप घर से बाहर रहते हैं तो हर चीज घर वालों के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, और स्पेशली पढ़ाई की बात है तो उनके साथ डिस्कस करो, कोई भी प्रेशर आ रहा है या फिर ये होता है कि एग्जाम प्रेशर है, तो वो चीज यहाँ पे मतलब सॉर्ट आउट हो जाती है जब आप टीचर से बात करते हैं। टीचर्स का नेचर बहुत हम्बल है, बहुत ज्यादा, और कुलवंत सर और मोहित सर बहुत पोलाइट है, बहुत पोलाइट। और फिर मेरा नेट जेआरएफ का एग्जाम हुआ था दिसंबर 2023 में। एग्जाम से पहले मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत ज्यादा प्रेशर ले रही थी मैं, 3-4 दिन पहले बहुत ज्यादा प्रेशर लिया था। लेकिन वो प्रेशर, मतलब सर से बात की, कुमार सर से, मोहित सर से, फिर उन्होंने बोला प्रेशर नहीं लेना, काम माइंड होके पेपर देना। और फॉर्चुनेटली मेरा जैसे मेरा पेपर था, पेपर के टाइम तो मुझे बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं थी, बिल्कुल भी, और मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था। और बस वो ये है कि कुछ खुद की सिले मिस्टेक की वजह से एक दो क्वेश्चन गलत हो गए थे, बट फॉर्चुनेटली पेपर अच्छा गया था और मार्क्स भी अच्छे आए हैं, फाइनल रिजल्ट अच्छा है। फिर नेट का पेपर होने के बाद मैंने गेट जेआर के गेट 2024 की प्रिपरेशन की, वो 5 फेब को होने वाला था, तो उसकी प्रिपरेशन की। उसके लिए जो कुछ पोर्शन जो एक्स्ट्रा पढ़ना होता है वो उसकी प्रिपरेशन की, वो बैच ऑनलाइन था, और उसमें भी परफॉर्मेंस अच्छी थी और अच्छा जा रहा था, तो मेरी प्रिपरेशन भी अच्छी गई थी और सर ने बहुत हेल्प की थी ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। अगर हमारे कुछ डाउट्स होते थे तो हम ऑफलाइन आके पूछ सकते थे। तो और उसमें फिर वही मैं जब रिजल्ट आया तो पता चला मेरी ऑल इंडिया रैंक 299। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि प्रेशर नहीं लेना, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, एक प्रॉपर प्लान और एक गाइडेंस की जरूरत होती है। और टू बी ऑनेस्ट, जो सर का फर्स्ट डे प्लान था ना, वही प्लान पूरे 6 महीने एग्जीक्यूट किया गया था, सेम प्लान था। ये नहीं कि प्लान चेंज हो रहा है या, और सारा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो गया था, सारे प्रैक्टिस सेट हो गए थे, उनका डिस्कशन हो गया था। तो मेरा जो यहाँ पे एक्सपीरियंस है वो बहुत बहुत अच्छा रहा है। एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू मोहित सर, थैंक यू कुलवंत सर एंड फॉर गिविंग दिस पॉजिटिव गाइडेंस एंड फॉर योर ब्लेसिंग टू अचीव आई एम।